ये बताएं हाँ? एक घंटा से बारात आए हो ही गई हाँ? बात बातें रही चक्का रह जाई हाँ? बात बातन में टारे परे हो लंबा दास जी बताओ मुंह सूखा जाए रहा है हाँ? यार कुछ नाश्ता पानी होई कि बात बातें नहीं रही। अगर नाश्ता पानी की बात करोगे हाँ? तो जानते क्या मिलेगा? जूता मिलेगा। ए बहनी यकिया जो ज्यादा बोला था टोपी ले लबा पता नहीं जूता मिली यही का हमका न दिया दिए खुद मंत्री जी का दिया। ए टोपी लाल तुम कुआहू बराती गए हम बराती गए कि हम नौवा हैं यही बरेता हो हम बार बना देते अरे बरतिया तो नहीं ना मोरे मन कहो बरतिया कहे बरतिया में कौनो कमी है का सुनो बतावा तो हमारे हमारे नौनिया से पूछा ना अब ही ने बताई थी तुम्हार सब टोपी लाल और बरती जैसे घोड़े का हमारा घोड़े क्या रहा है आए? अरे पूछ लियो सब हो सदरेस पूछ लियो बताइए हुआ हो हमारा नवनीवा यार ये बताओ ये तुम शादी करा के लाए भगाए के लाए हो अरे यार शादी करा के लाए भगा के थोड़ो लाना ये नवा का हो अरे बोला बोला बहन चोद बोला खड़े हो जा पहले अरे बोला बोला हम बोले अरे बोला बोला और सुनियो का और सुनियो का सही में कौन तरह का एकदम खुल्ला खुल्ला सुनाई का कि अरे यार यार
खूब निक लागत हो गए हमें लागत नगुआ भैया बहुत चलतू पुर्जे कथा भैया इधर अरे नौकटी रैया अरिया अरिया रैया बोवायो बिचवा बोवायो चमरहिया की वाह यहाँ तक का तो हमका अच्छा लाग रैया तुरन गई नौवा की बहिनी यहाँ तक का ठीक लाग रैया तुरन गई नौवा की बहिनी बिचवा में घुसी के लकड़िया अरे तो हमसे कहे पूछे हमार नौनिया से पूछे झकरे में गई रहा तबे ना वही फंसी गया सचमुच अच्छा यह बात आए रजवाड़ा उजड़ी गयो हो ये बताओ हम यहाँ गाड़ी सुने नहीं आए बता दियो अपनी नौनिया से कि एक शब्द गाली ना निकाले अरे क्योंकि यहाँ पे शर्त की शादी है जब यहाँ पे बताओ एक घंटा से बरात आए हो गई लंबरदार का गला सूख ही रहा है भूखन मर रहे हैं खाए पिए कुछ नहीं मिल रहा और जब शर्त की शादी है तो हम लोग रुकना नहीं चाहते थे नौवा लड़का कहीं तो वाले न हुआ हो चिंता न करो कहीं चुपके चले आ किनारे तुमका हम दे देख नहीं वो तो सही है दे दे हो खाए ले लेकिन हम खावा नहीं चाहिए क्योंकि जब पहले ना देश होएगा खाना नाश्ता मांगे तो जूता ले ली तुम हमका बहुत नीक लाग अरे हमका तो आपका तो हम नीक लगबे करबे जावे तो हमका ऐसी चीज दे दे आपकी जिंदगी भर याद करती रहोगी जाओ लड़की लेकर आओ समय नहीं है चलो जा बहनी दुल्हन का लेके आ आज के बाद तो अपने बाबुल का घर छोड़ के वो पिया के घर जा रही है और बेटी कभी कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे कि तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिताश्री और तुम्हारी माँ सबका सर झुक जाए नहीं मां बेटे और बाबुल का ये घर बेटी बाबुल का ये घर बेटी कुछ दिन का ठिकाना
चंपा के दिल पर क्या बीत रही है बहन गुड़िया, कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे माँ का दिल टूटे। गुड़िया याद तेरे बचपन की अब सब को रुला देखो, समय बहुत कम बचा है भैया राजेंद्र, आपके इस मंडप में चार ही पावा हैं। जब तक पांचवा पावा आप नहीं तैयार करेंगे आपकी बहन के शादी में भावर नहीं हो पाएगी, इसलिए बीच का पावा तैयार किया जाए ताकि आपकी बहन के शादी में
भावर हो सके। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी एक ही बहन है और इस बहन के साथ ही जयमाल से होनी चाहिए। जयमाल करा दीजिए उसके बाद। ठीक है भैया। आइए राजेंद्र भैया, बीज का खंभा तैयार किया जाए। गांठ जोड़ दिया, भावर होए जाए रही, और गांठ की जोड़वही मां तुम्हारी इच्छा हम भर दे भाई। जब तक ना ही न करी हो तब तक का हम ना ही न करम। चलो भंवरी बोलाओ, भावर होए जाए रही, और सब जनी बसुल्हास मुंह बनाए के ना बैठो, गाँव चालू करो। नौवा भमरी भाई एक, भमरी भाई एक तो दुल्हा से कह दियो। बजा भैया, बजा बजा। भमरी भाई एक तो दुल्हा से कह दियो दुल्हनी के लिए दिए। हमारी भाई दुई, हमारी भाई दुई, हाँ। तो दुल्हा से कह दियो दुल्ही निकलिए छुट्टी। भवरी भाई तीन, भवरी भाई तीन, भवरी भाई तीन, तो दुल्हा से कह दियो दुल्ही निकलिए चीन। चार तो दुल्हा से कह दियो बनवा डारे बने बार। नौवा भवरी भाई पांच, भवरी भाई पांच, तो ये नौवा के नौनिया के निकल आई कांच। Oh!
बेचारा चिंतल, बेचारा चिंतल, तुझे क्या हो गया बेटा, तू मुझे छोड़ कर कहाँ चला गया बेटा। बेटा एक बार बोल दे बेटा, महाराज वाह महाराज वाह, क्या खूब तुम्हारा फैसला है, जेल में डलवाने से पहले तूने कहा था कदराज मैं तेरा पूरा परिवार नाश कर दूंगा, और आज आज तूने मेरे बेटे का खून कर दिया। नहीं गजराज नहीं, मैंने तेरे बेटे का खून नहीं किया, नहीं किया तेरे बेटे का खून। फिर किसने किया? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आती है कि गोली कहां से चली और तेरे बेटे की मौत कैसे। हरामखोर, झूठ बोलता है तू, तूने मेरे बेटे की हत्या की है, आज देख इसी हवेली के अंदर लाशों के ढेर लगा देंगे हम। महाराज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं। नहीं शांति नहीं, तूने ये क्या किया फिर, तूने ये क्या किया जी। महाराज महाराज निर्दोष है, इसमें महाराज का कोई कसूर नहीं है, हमने अपने अपने जिस्म में ये खंजर क्यों लिया कि महाराज की जान बेखता चली जाती। मेरी गलती माफ कर देना स्वामी जी, मेरी गलती माफ कर देना। मैं अर्धांगिनी होने का पूरा फर्ज नहीं अदा कर सकी, और भगवान से मैं यही कामना करती हूँ कि अगले जन्म में जब मैं जन्म लूँ तो दोबारा तुम्हारे संग में तुम्हारी पत्नी बनकर। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। और कहा है मेरे होने वाले दामाद? ऐसा मत कहिए माँ, बेटे मैं लाजों से पाला अपनी अमानत तुम्हारे हवाले करती हूँ, कभी भी मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो मेरी बेटी को कभी अपने दिल से जुदा नहीं करना। मेरी माँ मैं कितनी अभागन निकली, मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों का जोड़ा सलामत रहे जिंदगी में, कोई दुख ना होने पाए। और देखो देखो कोई कोई मुझे बुला रहा है नहीं माँ, शांति। अरे तुम तो मेरी हिम्मत हो, तुम अगर इस तरह रूठ जाओगी
इस तरह जुदा हो जाओगी तो तुम्हारा पति क्या करेगा ए संती। एक तरफ बेटे की जो और दूसरी तरफ पत्नी और बेटे की लाश। कुछ समझ में नहीं आता कि डोली को रुखसत करूं या कि अर्थी को अपने कंधे पे धरूं। ए सती और डोली रुखसत करूं यार थी का दे धरो। ए शांति तू मुझे छोड़कर मत जा, डोली रुखसत करूं यार थी कांधे धरो। माजरा कुछ समझ में आता नहीं, छोड़कर मत जा। हाय भगवान कैसा सितम धा दिया, बिना पत्नी के संसार सुना हुआ। हाय भगवान कैसा सितम धा दिया, समझा दिया बिना पत्नी के संसार सोना हुआ। ए शांति तू तो मुझे छोड़कर चली गई प्रिय, इतना बड़ा बोझ इतना बड़ा बोझ हम कहां उठा पाएंगे। सबसे बड़ा बोझ यही होता है बाप के कंधे पे पत्नी और बेटे का जनाजा। बेटी सालू मेरे पास था बेटी, देख बेटी आज तू अपने पिता का घर छोड़कर अपने बाबुल अपने स्वामी का घर सजाने जा रही है। बेटी भूल कर कभी ऐसा गलत कदम मत रखना जिससे समाज में तेरे पापा का सर झुक जाए। इसे कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी ताकि आपका सर नीचा हो। बेटी अब दुआओं के सिवा तेरा पिता तुझे दे ही क्या सकता है। पापा बेटी बेटी बाबुल की दुआएं लेती जा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संग।
देती। मायके की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। मेरे बाग की है ना झुक डाली, मेरे बाग की है ना झुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। दुआ